दीदी आपका नर्सरी बेड पूरी तरह से तैयार है और यह देखिए इसमें नमी भी है जो कि बुआई के समय होना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया, तो आप इस नर्सरी बेड पर लाइन बनाते हैं, थोड़ा लकड़ी दीजिए ना। दीदी यह लीजिए, इससे अब आपको आधी इंच गहरी लकीर क्यारी की चौड़ाई की दिशा में बनानी होगी। आइए दीदी हम लोग मिलकर क्यारी में लाइन बनाते हैं। दीदी इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लाइन बने दो दो इंच की दूरी पर हो। इस नर्सरी बेड पर हम लोग लाइन पूरा बना चुके हैं। दीदी बीज बोते समय ये ध्यान देना है कि बीज एक एक इंच की दूरी पर लकीर के बीच में ही गिरे। लाइए दीदी कुछ बीज, हमको भी दीजिए, हम भी लगाते हैं। जरा सा गोबर का सड़ी हुई खाद पकड़ाइएगा। ये लीजिए दीदी, इसमें ट्राइकोडर्मा मिला दिए हैं ना। हाँ भैया, ट्राइकोडर्मा मिलाकर लाए हैं और खाद को रगड़कर बारीक भी कर लिए हैं। दीदी क्यारी को हल्के हाथ से ढकना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथ पैर या किसी अन्य सामान से ये दबे नहीं। दीदी ये पूरा बराबर हो गया है। अब इस पर एक परत बिछाना है। इस पर पुआल का एक परत बीत चुका है, अब इस पर हम लोगों को पानी डालना बचा है। हाँ भैया, दी पानी इतना ही देना चाहिए कि मिट्टी थोड़ी गीली हो जाए। अगर मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे तो एक दो दिन में हम फिर से पानी दे सकते हैं। यह पौधा कितने दिन का हो गया भैया? ये पौधा 15 दिन को हो गया। दीदी देखिए वहाँ कुछ घास उग गए हैं, उसको निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल। इसके अंदर घास और खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भैया आराम से देखिए पौधा टूट न जाए। भैया इस पर पानी का आप छिड़काव करेंगे तो नमी बनी रहेगी। दीदी 4 से 5 दिन के बाद इस पर नीम का घोल आपको छिड़काव करना होगा।